हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कुछ आमदी सबक एग्जाम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक हैं। मैं अभी बस जिम जाने के लिए रेडी हो रही थी तो मैंने सोचा मैं आपको अपनी टी शर्ट दिखा दूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अगर मेरी तरह मैं लॉन्ग टी शर्ट पहनने का शौक है तो गर्ल्स जो भी है वो बॉयज के सेक्शन से ऑर्डर करें, क्योंकि गर्ल्स के लिए जो होता है ना वो एकदम शॉर्ट वाली आती है। तो अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो आपको स्लीव्स की और इसकी भी लेंथ मैं भी आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स भाई एकदम नीचे आ गए, मैं भी लेट हो गई हूँ। मैं आपको आके जिम में अगर आप मिरर होता है तो आपको वहाँ पे फुल दिखा दूंगी। ठीक है, अभी मैं निकलती हूँ, बाय। तो अभी हम लोग का जिम हो गया है। मैंने तो कुछ नहीं, सिर्फ कार्डियो किया है। भाई का हो गया, अभी भाई अंकित को भी बहुत कराने लगे। अंकित कैसा लग रहा है? मजा आया? अच्छा लग रहा है, थोड़ा लग गया इधर। ज्यादा जोश में आ गया, ज्यादा ही पुश कर दिया। पूरा बॉडी वेट से सही फॉर्म नहीं था। हाँ। तो नेक में भी इसके कैच आ गया। लेकिन भाई ऐसे बहुत मुश्किल है, मतलब आप दो चार दिन में हम जैसे लोगों का वेट बढ़ जाता है। फिर आओ, फिर मेहनत करो, फिर कम करो। आप कैसे इतनी जल्दी खुद को माशाल्लाह एकदम फॉर्म में ले आते हो, खा लेते हो, फिर बराबर कर लेते हो एनर्जी, ये सब को एक टिप क्या देना चाहोगे? देखो सबसे पहले ना ये अपने दिल से होता है। अगर आप अंदर से, आपके अंदर वो चीज है कि आपको फिट रहना है, और ऑब्वियसली बात है कभी कभी खाने का भी मन करता है। लेकिन सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि आप जैसे हो ना बहुत अच्छे हो। अच्छा। अगर आपको वर्कआउट करने की ख्वाहिश नहीं है तो मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आज का जमाना ऐसा है, ट्रेंड ऐसा है। आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, वैसे ही खुद को प्यार कीजिए। लेकिन हाँ, बस इतना ध्यान रहे कि आप ओवर ईटिंग ना करें जिससे आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो। वो आपको ध्यान रखना है। और बाकी अगर जैसे मैं, मुझे खाने का बहुत शौक है लेकिन मैं इस फील्ड में हूँ कि मुझे अपने आप को हमेशा फिट रखना पड़ता है। आपको नहीं पता होता कि, जैसे कि मैंने अपने अपने व्लॉग में कहा था कि हमें नहीं पता होता कि कब कहाँ चीज कौन सी वर्कआउट हो जाए, और हम चीजें, लेकिन अपने आप को हम प्रिपेयर वैसे ही रखते हैं, मेहनत वैसे ही करते हैं, बाकी उस पे छोड़ते हैं। तो हमें आपको मेंटेन अपने आप को वैसे ही हमेशा रखना पड़ता है कि हमें नहीं पता, क्या पता कल को कॉल आ जाए कि शोएब आना है आपको, तो मैं क्या उनसे बोलूंगा मुझे एक महीना दो मैं अपने आप को फिट कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो है। और हाँ, यस, जब तक अंदर से आपकी चीजें खुद नहीं आएंगी, जैसे आपको अच्छे कपड़े पहनने की ख्वाहिश होती है, जैसे आपको पैसा कमाने की ख्वाहिश होती है, जैसे आपको अच्छा खाने की ख्वाहिश होती है, ऐसे ही एक जिम भी है, वर्कआउट भी है कि आपको जिम में जब तक वो अंदर से आपको वो डेडिकेशन नहीं आएगा ना, लाइक मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं जिम किसी दिन ना जाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ तो मिसिंग है, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लगता है, फील अंदर नहीं आता है, बड़ा डल सा महसूस होता है। और फिट रहने का तो फिर ऐसा है कि यार एक बार अगर आपको इसका चस्का लग गया ना, फिटनेस का, और तारीफ मिल गई, और वो तारीफ और खुद में आपको, और वो मुझे सबसे ज्यादा होता है कपड़े, तो अपने मन से होता है। लेकिन जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, अपने आप को कभी ये फील ना करें कि मैं मोटा हूं या मैं बहुत पतला हूं। आप जैसे खुदा ने आपको बनाया है, हर इंसान को खुदा एक कोई ना कोई खूबी देता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि आपको हेल्थ वाइज कोई इशू ना हो, चाहे वो ज्यादा ही पतले हो या वो ज्यादा ही खाते हो, मोटे हो। बाकी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी करते हैं तो फिट रहें, लाइफ को एंजॉय करें, सबसे अहम चीज। खुश रहना चाहिए। तो बेसिक ये चीज है कि आप ओवर ईट नहीं करें, और खुद को एक डेडिकेशन, मतलब आप खुद में आपको रहे कि आपको करना है। खाओ, हर चीज खाओ, लेकिन अगर आप जंक खा रहे हो, आपको ज्यादा तेल मसाला ऑयली खाने का मन है, तो फिर थोड़ी सी मेहनत भी कर लो, या फिर अगर मेहनत करने का मूड नहीं है तो फिर वो कट कर दो में से कोई चीज तो करनी पड़ेगी, दोनों चीज एक साथ नहीं हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोग झूला नहीं झूल पाए थे तो मेरे जरिए को मेला क्या क्या नहीं है तो अटैक पड़ने वाला था थोड़ा सा मुझे भी, चलो अभी जाके देख लेते हैं। रेहान अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया तुम्हारा पचका हुआ मेला ही खराब हो गया, वहाँ पूरा सोना भरा है, कोई नहीं था, कोई नहीं, टूट के निकाल रहे हैं सब। तो कब ये हटाएगा? उन्होंने बोला था अभी हटा रहे हैं, उन्होंने बोला था 14 तारीख तक रहेगा। फ्रेंड्स इसने भी बड़ी हिम्मत से कहा था आज ये ब्रेक डांस में बैठेगी। तुम्हें कैसा लग रहा है रिजा? मुझे थोड़ा थोड़ा बुरा लग रहा है, मुझे पहली बार आज बैठना था। अब क्या कर सकते हैं, बहुत अफसोस हो रहा है। और फ्रेंड्स जो ऑटो के
कितने 52 रुपीज हुए थे ना वो तो और ज्यादा मतलब इतना हर्ट हुआ देने में, इतनी भी तरस खाली 2 रुपए छोड़ दिए, 52 हुए थे 50 दे दो। रियान तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है। हमने सोचा चलो आजकल इनका एग्जाम भी नहीं है तो आज हम लोग पार्टी करेंगे, तो आज हम लोग पहली बार मिलके क्या बना रहे हैं? नूडल्स। तो फ्रेंड्स हमने आज तक कभी नूडल्स बनाए नहीं थे, तो हमें जो जो मोटा मोटा समझ में आया वो हम ले आए हैं। और ये देखिए आलू, इसका मैं आलू का काम बहुत होता है आपको पता ही है, तो इसे लगाने से ना मैं इसे भी कट करके फ्रीजर में रख दूंगी और जब लगाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स स्किन केयर की तो बात हो गई है और हमें अपने हेयर की भी केयर करनी चाहिए, और अपने हेयर की केयर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑयलिंग करनी चाहिए। और ऑयलिंग करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रू हेयर ऑयल। और फ्रेंड्स ट्रू हेयर ऑयल की सबसे अच्छी बात पता है क्या? इसके साथ आता है इसका एक क्यूट सा लिटिल सा हीटर। फ्रेंड्स हमने अपने घर के बड़ों को देखा होगा, नानी को देखा, हमेशा वो लोग कहते थे कि ऑयल को गर्म करके लगाओ, क्योंकि गर्म करने से ना फ्रेंड्स वो ज्यादा फायदा होता है, जिससे हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, तो हमारे उस वजह से क्या होगा, हमारे रूट्स में स्ट्रेंथ आएगी तो हेयर फॉल नहीं होगा। लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि हमें कितना गर्म करना है, लेकिन अभी टेंशन की बात नहीं है, ये हीटर से ना बहुत ही ज्यादा आपका काम आसान हो जाने वाला है। मैं आपको बताती हूँ उसे किस तरह से यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने हीटर को प्लग में लगा दिया, मैं इसमें ऑयल डालूंगी और स्विच ऑन कर दूंगी। ये जब अराउंड 65 डिग्रीज के आसपास पहुंच जाएगा तो अपने आप इसकी लाइट बंद हो जाएगी और ये पूरी प्रोसेस 4 मिनट में कंप्लीट होगी। ऑयल एकदम सही गर्म हुआ है, मतलब आप देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, ना ही ये बहुत ज्यादा गर्म है और ना ही एकदम ऐसा है कि बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। अब मैं आराम से अपनी चंपी इंजॉय करूंगी। फ्रेंड्स मजा आ गया, दिन भर की जो थकान थी सब दूर हो गई, इतना अच्छा सा हेड मसाज मिल गया, वो भी गर्मा गर्म ऑयल से, वो भी ऐसे ऑयल से जो कि बना है 13 ऐसे अच्छे अच्छे हर्ब्स से, जिसमें बालों के लिए बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि आंवला, भृंगराज और हिबिस्कस, और वो भी एकदम राइट टेम्परेचर में। ऑयल भी गर्म हो गया तो उसके फायदे भी मिल गए होंगे। फिर मैंने अपनी चंपी के बाद रिजा रेहान के हेयर में भी ऑयल लगाया ताकि उनके भी बाल अच्छे हो जाए, थोड़ा सा उनको पैम्परिंग भी मिल जाए। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि रिजा के थोड़े थोड़े से बाल बढ़ाए, तो उसके लिए थोड़ी केयर भी जरूरी है, इसीलिए हम ऑयलिंग करेंगे। एकदम ऑयल की चंपी के बाद हम तीनों बन गए हैं चंपूलाल। को ये भी बताना था ये जो ऑयल है ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। एक और बात फ्रेंड्स, आप में से काफी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हमारे हेयर टाइप ऐसा है, हम कैसा हेयर ऑयल यूज करें, ऑनियन वाले लगाएं या कौन सा वाले लगाएं, तो अभी उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ। आपको ट्रू हेयर एंड स्किन इनकी वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपको दिखेगा 3-फैक्टर एनालाइज जो कि डेवलप किया है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने। फ्रेंड्स ये जो एनालिसिस है ना वो बेस्ड होगा आपके हेयर टाइप पे, बॉडी टाइप पे, आपके डेमोग्राफी पे, आपको इसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको अपने हिसाब से उसे टिक करना है, फिर ये ऐप आपको बताएगा कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल प्रोडक्ट क्या है और आपको पर्सनलाइज्ड सप्लीमेंट भी फ्री मिलेगा। चारों प्रोडक्ट जिसमें आता है इनका सीरम, इनका ऑयल, इनका शैम्पू, इनका सप्लीमेंट आपको मिल सकता है सिर्फ 689 रुपीज में। और फ्रेंड्स मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, अगर आप उस पर जाके परचेज करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। और फ्रेंड्स आपको एक चीज बतानी थी जो कि बहुत अच्छी है, अगर आप थ्रू हेयर की वेबसाइट पर जाके कुछ भी परचेज करते हैं तो उसका 5% रूरल चिल्ड्रन एजुकेशन के। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए किचन में नूडल्स बनाने, वो भी पहली बार, और हमने देखे यहाँ पे सारी पानी बॉयल हो रहा है, उसमें ऑयल डाला है, सारी सब्जियां कट करके रख दी है, और पता है रेसिपी किससे पूछी है? भाभी से। तो भाभी ने वॉइस मैसेज भेजा, सर आओ इसमें नूडल डालना और मुश्किल से पानी रख दिया, अभी ये सब कर ले, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे बने, दुआ करना अच्छे बन जाए, ये कोई रेसिपी का वीडियो नहीं है। इसको अलग अलग कर दे और भाभी ने कहा इसको सिर्फ 5-6 मिनट्स बॉईल करना है। लंबे लंबे कटिंग हुए प्याज, लंबे लंबे कटिंग शिमला मिर्च, ये सब थोड़ा सा सौते करो। कि बच गया, सो तो नहीं गई होंगी भाभी? नहीं, जाओ जल्दी से वो गार्लिक चटनी ले आओ। ये मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, भाभी ने कहा था थोड़ा कच्चा ही निकालना वरना वो बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएंगे। फिर हमने उसका वो पानी वानी निकाल दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि वो फॉइल को बिछाया, ऐसा रिजा ने भाभी को कभी बनाते हुए देखा था, तो हमने यहाँ पे फॉइल बिछाया, उस पर हम नूडल्स डाल के, और भाभी ने कहा था कि सारे सॉसेस मिक्स कर दो, तो हम वही कर रहे थे। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें नमक डाला है, इसको थोड़ा अलग अलग किया है, फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और कभी भाभी को बनाते हुए भी नहीं देखा मैंने, और मुझे लगता है मैंने थोड़ा नमक ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे हमने यहाँ सोया सॉस डाल दिया, उसके बाद हमने गार्लिक चटनी डाल दी और इनको अच्छे से सबको मिक्स कर दिया। क्या है? हाँ भैया, चिंग सीक्रेट चिली विनेगर वालों, इसको बता दो कि इसमें मिर्ची क्यों डालते हो?
ऐसे शाबाश डालो जल्दी। फ्रेंड्स हमको बहुत कम सॉसेस लग रहे थे इसलिए हमने और डाल दिए और हमारे नूडल्स रेडी हैं। भाभी से सब पूछ लिया था, ये तो नहीं पूछा था नमक कितने चम्मच लगेगा, मुझे लगता है कि नमक ज्यादा हो गया है, होगा एक्स्ट्रा सॉस डाल के खा लेना ठीक है। मैं तो वैसे ही खाती हूँ सॉस के बगैर। और फ्रेंड्स ये तो थोड़ा सा ही उसका जुर्माना था या हरजाना क्या बोलेंगे, मेले में मैंने उस दिन झूला नहीं झुलाया, इन्हें आज भी झूला नहीं मिला, तो उसका मैंने जुर्माना भरा है हरजाना भरा है। जुर्माना मतलब कुछ हाथ दो हाथों में आपने जुर्माना भरा है। हाँ जुर्माना हर जाना अलग होता है या नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा। तो वो मैंने भर दिया है लेकिन अभी थोड़ा बचा है क्योंकि मैं इनको फिर इन्फिनिटी मॉल लेके जाऊंगी जहाँ पे किड सेक्शन है, वहाँ पे झूले झूले दिखी नहीं रहे। तुम टेक टू क्या करेंगे, पार्टी। रिजा क्या करेंगे, पार्टी। ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे पारी हो रही है, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हम सब बहुत ज्यादा इससे पक चुके हैं। आ जाओ रिजा इधर ही, भाभी ने कहा था कि मैं भी टेस्ट करूंगी। देखने में तो एकदम प्रोफेशनल लग रहा है, वही तो अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं टेस्ट के प्रोफेशनल है या नहीं है। खा बोलेगा क्या अच्छा ऐसे कौन बोलता है, अच्छा तो बोलो। मुझे अच्छा लगा मेरे हिसाब से, नहीं उतना तो अच्छा नहीं, नहीं अच्छा कच्चा है, कच्चा तो बिल्कुल नहीं कच्चा, तो फिर कैसा है, हल्का नमक का थोड़ा सा है ना, नमक ज्यादा, लेकिन लेकिन वैसे 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 बहुत अच्छा है, नमक नहीं मेरे लिए तो ठीक है, मुझे सेम ऐसी ही पसंद है और पक्का। हाँ, नमक सही है इसके लिए, तुम सॉस डालो तुम्हारा बराबर हो जाएगा। अभी मैं खा रही हूँ फ्रेंड्स, विनेगर की है। हाँ, नमक नहीं है, नमक नहीं ना, नहीं, नहीं। फिर भी हल्का सा है लेकिन थोड़ा सा विनेगर डाल दिया तो उससे बराबर हो गया, मुझे ठीक लग रहा है, मेरे तो फेवरेट हो गए ऐसे, अच्छे लग रहे हैं। बेस्ट केचप था, पक्का पक्का। चलो केचप, शुक्रिया बचाने के लिए। हाँ तुम्हारे सॉस के साथ वाह भाई वाह, रेहान मजे है। माय फ्रेंड्स नूडल वूडल खा लिए हैं और अभी मैं पी रही हूँ गर्म पानी सोने से पहले। ये देखिए जो मैंने आपको आलू बताए थे मैंने फ्रीजर में रख दिए थे उसे इस तरह कट करके, और अभी जब मैं लेटूंगी तो मैं इस तरह से ये दोनों आलू को बहुत देर अपनी आंखों पे रखूंगी, बहुत ठंडा लगता है। और सो रही हूँ, अल्लाह हाफिज़ कर लो, सुबह मिलते हैं, अल्लाह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो अभी मैं अम्मी को कहीं पे लेके जा रही हूँ, कहाँ लेके जा रही हूँ आप देख लीजिएगा। अम्मी देखो बड़ा टेंशन में लग रही है, और ये देखो मेरा सुबह सुबह का फेस। लेके अम्मी को काफ़ी वक्त से एक दांत में थोड़ा थोड़ा दर्द था, लेकिन काफ़ी वक्त से सोच रहे थे कभी कोरोना है जाना है नहीं जाना है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा ज़्यादा दर्द हो गया है तो उसी का चेकअप करा रहे हैं। चलो, दर्द तो नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर क्लीनिंग कर रहे हैं, अम्मी के दांत देख रहे हैं, फिर हम बहुत जल्दी फ्री हो गए थे तो हमने सोचा हम रिजा रेहान को कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ऊपर आए हैं, हमने मैगी लिया और अम्मी कुछ एक घंटा खा नहीं सकती थी, और ये देखिए मैंने सोचा मैं अपना आउटफिट भी आपको दिखा देती हूँ, फिर मैंने सोचा मैं कॉफ़ी पी लूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मैं सुबह सुबह चली गई। अम्मी को दिखाने आए थे, सुबह तो ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि बड़ा टेंशन था अम्मी को कि क्या निकलेगा दांत में क्या नहीं होगा, लेकिन ठीक है ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा दर्द हो रहा है अम्मी कि वहाँ पे ना दांत में गड्ढा हो गया था तो उसको फिल कर दिया अभी, तो अभी कोई मसला नहीं है, अगर थोड़ा फिर ज़्यादा होगा, अगर अभी भी नहीं ठीक होता तो फिर रूट कैनाल करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए बेटर है। अब तो नहीं डर रही वहाँ पे इतना ज़्यादा, अम्मी डर रही थी लेकिन ठीक है अभी कुछ ज़्यादा हो नहीं था। ऐसे चलेगा अम्मी, आप इसलिए लेफ्ट से डरती हो ना, भैया ऐसे कोई बच्चा उच्चा होता तो इंसान बड़ा हो ज्ञान होता तो पता नहीं किसको, रिजा आवाज देना, रोते क्यों, रोती ऐसे नहीं रोते इतनी सी बात पे, जितनी ताकत हो भैया एकदम तोड़ दीजिए निकाल दीजिए। शानू भाई को फोन लगाओ दरवाजा तोड़ने के लिए, किसकी तरह जैसे कि दया को बोलते हैं दरवाजा तोड़, तो शानू भाई को बोलो दरवाजा तोड़ो।
फाइनली वो हाफ एन आवर बाद निकल गए हैं। तो पेरेंट्स अगर आप देख रहे हैं तो अपने बच्चों को लिफ्ट में कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि बच्चों के लिए काफी वो अम्मी का फेवरेट। अम्मी ने फ्रेंड्स कुछ भी नहीं सुबह से खाया ब्रेकफास्ट के बाद, वो डर रही है कि उनके जो दांत में भरा है वो निकल ना जाए, तो इसलिए उनका फेवरेट वेनिला मिल्क शेक लिया था तो वो पी रही। पी लो अम्मी। नहीं नहीं अम्मी, अभी भी मेरा मन है कॉफी पी थी। अच्छा है अगर कल ने इतने अजीब से नूडल्स जो खिलाए है ना। नहीं अच्छा था। अरे तो कर रहा है, तब तक मैं अम्मी के लिए ओट्स बना रही हूँ, क्योंकि आज अम्मी के वो दांत में हुआ है ना, तो इसीलिए अम्मी वो बहुत ज्यादा हार्ड कुछ नहीं खा रही है, तो ऐसे ओट्स दूध के साथ खा रही है, तो मैं वही बना रही हूँ। जाओ जाओ। ओफो इतना। अरे वाह, कब किया ये? अभी अभी सबा का जहाँ 500K फॉलोअर। अरे ये तुमने इंस्टाग्राम का लोगो भी बनाया रिजा। और ये केक किसने ऑर्डर किया? ये भाभी ने और शानू भाई ने। फोटो भी लगा दी है। हाँ, ये लोग ने जो मेरे उसमें आते हैं ना लग के जो पार्सल्स में। ये रिजा वेलकम। थैंक यू रेहान वेलकम। अम्मी कितना चला जाती, कैसे लग रहा है? मेरे इंस्टाग्राम पे इतने हो गए। अम्मी कितने कम से शुरू किया था, कब कितने साल हो गए, 3-4 साल करते करते ना। बूंद बूंद से कहते हैं घड़ा भरता है ना है? और जितने भी हम तुमसे पूछते हैं तुम हमें बताती हो कि अम्मी मेरे इतने दोस्त मतलब हो गए 500, 4 लाख, 5 लाख, तो बस मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बस ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। जितने भी बढ़ते जा रहे हैं जिंदगी में, क्या है बेटा, बस सब फैमिली है। दूर है तो क्या हुआ, लेकिन बस पास में। मुझे बहुत खुशी हुई जब कहती इतने हो गए। थैंक यू फॉलो करने के लिए। चलो अभी क्या करना है, केक काटेंगे। थैंक यू कहती हूँ जितने भी इंस्टाग्राम पे मेरी फैमिली है, सबको दिल से शुक्रिया इतना ज्यादा दिल से सपोर्ट करने के लिए। मैंने अभी भी कहा कि फॉलो तो सबको कर लेते हैं लेकिन इतना ज्यादा प्यार नहीं देते, कंटिन्यू पेज पे एक्टिव नहीं रहते, लेकिन एक स्टोरी नहीं जाती अगर एक दिन, तो आप लोग परेशान होते हो कि सबा क्या हुआ, या अम्मी पापा को कुछ होता है तो आप लोग इतना पूछते हो, भाई भाभी का कुछ खुशी होती है या तबीयत खराब होती है तो आप लोग इतना परेशान होते हो, रिजा रेहान के एग्जाम्स होते हैं तो आप लोग ऑल द बेस्ट बोलते हो। फ्रेंड्स मैंने ये जो इंस्टाग्राम पे मेरे 500K फॉलोअर्स हुए हैं ना, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, भाई भाभी का सपोर्ट तो रहा ही है, उनके बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने बिल्कुल एकदम जान लगा दी है। मैं हमेशा, अम्मी भी जानती है कि कितना मैंने इसके लिए, मेरे वो था कि नहीं मुझे करना है, दिन में बिल्कुल भी वक्त भी नहीं मिलता है कभी कभी। बहुत मेहनत करती है, मैं देखती हूँ, मैं गुस्सा भी होती हूँ कि बात ही नहीं मुझसे करती, लेकिन बस फिर जानती है कि बहुत बिजी रहती, बोलती फिर बोलती अम्मी गुस्सा मत हो, बहुत सारा काम है, ये करना वो करना, फिर मैं सोचती हूँ बच्ची बहुत मेहनत कर रही है। किसी को भी मैसेज आता है हमारा ये कर दो, प्रमोशन कर दो, जितना मुझसे हो सकता है फ्रेंड मैं अपनी तरफ से बेस्ट करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। जितने भी सारू के दोस्त है सब बच्चों के मैं बहुत दिल से उनसे मोहब्बत करती हूँ। जैसे कभी आज ही हम कहीं गए थे बाहर, तो एक कोई फैमिली मिली तो उन्होंने बोला कि अम्मी और सबा को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें भी उनसे बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा सपोर्ट अगर आज जो भी कामयाबी है यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह या इंस्टाग्राम पे सब कुछ है, तो वो अम्मी की वजह से, क्योंकि अगर अम्मी हिम्मत नहीं देती, अम्मी अगर ये नहीं कहती कि नहीं करो कंटिन्यू घर पे, तो नहीं होता। तो मैं सबसे, जितनी भी मम्मी लोग देख रही है, तो आप प्लीज अम्मी की तरह अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ये नहीं सोचे कि कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, क्या करेगा, आप बस अम्मी की तरह सीखें। क्योंकि जब आप कुछ नया स्टार्ट करने जाते हो ना, तो आपके मन में बहुत ज्यादा वो होता है करे नहीं करे लोग क्या कहेंगे, लेकिन उस वक्त आपको एक सपोर्ट की जरूरत होती है जो अम्मी ने दिया है। नुकसान की बात नहीं, कोई इसमें वो नहीं, बस हर माँ का ये फर्ज होता है। अब माँ तो बेटी की खुशी चाहती है ना, लेकिन वो एक हर माँ चाहती है ना, हाँ, लेकिन एक माँ हिम्मत बंधाती है, ये बात तो सही हकीकत में कि माँ की बहुत जरूरत होती है। जहाँ कभी ये थोड़ा हिम्मत आती तो मैं कहती चलो करना है, उठो करना है। जब मेरे लिए नया नया था बाहर फोटो शूट पे जाना, मैं जाती थी अनजान जगह पे बोलना, तो कभी होता था जाऊँ, क्योंकि कभी निकली नहीं थी आपको पता है कितना, लेकिन अम्मी ने हमेशा नहीं जाओ बेटा हिम्मत करो ये करो, बहुत सारी चीजों से अम्मी ने सपोर्ट मिला है। अगर अम्मी नहीं सपोर्ट करते और अम्मी की दुआ नहीं होती ना, तो ये कुछ भी नहीं होता। मैं मम्मी को कहती हूँ कि आप बच्चों को सपोर्ट करें और
बस, और सारे बच्चों से कहती हूँ कि अपने माँ बाप की दुआ लेते रहे तो इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। माँ बेटी बन के रहो, नहीं दोस्त बन के रहो, प्यार करो, लड़ो भिड़ो, सब कुछ करो, जहाँ जो ढगमगाए उसको साथ दो, हिम्मत की बस जरूरत रहती है। सब सच में बहुत मेहनत करती है, आज उसकी अम्मी तो क्या उसकी मेहनत है, आप लोगों का प्यार है बेटा। सबक के साथ रहना कभी नहीं भूल, ये इनके बिना भी कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। ये मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है। अभियान तुम कैमरा ले लो, ये मेरी फोटोग्राफर है इंस्टाग्राम की, दिखाओ अपना चेहरा, ये मेरी सारी फोटोज क्लिक करती है, नहीं अच्छे लग रहे। भाभी अभी बाहर से आई हैं, कटर को लेके गई थी तो मैंने कहा उनको भी खिला देते, अम्मी आप खिला दो, चलो मेरे बदले भाभी को। आपको भी बहुत मुबारक हो, दोनों को मुबारक। इंस्टाग्राम के लिए फोटोज क्लिक कर रहे थे और देखिए मेरा हाल क्या हो गया। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फोटोज देखिएगा, और मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। अरे भाई तो बहुत अच्छे गिफ्ट है, बस इतनी पुरानी थी वो, मैं आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग थैंक यू रेहान फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। मैं पता क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी गिनती हूँ और रस्सी कूदती हूँ तो मैं 80 या 75 करती हूँ और 100 पहुँच जाती हूँ, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो अभी क्या है ना कि इसमें काउंट भी होगा। थैंक यू, वेलकम। मुझे अनबॉक्सिंग बहुत बुरी लगती है, बॉटल, वाओ, मग, चाय लेवर के लिए। बताओ उसमें क्या 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 करती रख सकती है। फ्रेंड्स अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक तो 500K सब्सक्राइबर्स हो गए, इतना ज्यादा प्यार मिलता है, और ये घर वालों से इतना ज्यादा प्यार मिलता है, प्यारे प्यारे रेहान से इतना ज्यादा प्यार मिलता है, और लोग इतने क्यूट से गिफ्ट लाए थे, इसके लिए बहुत सारा थैंक यू तुम दोनों को। इसी तरह ऐसे प्यार करते रहो, और इसी तरह बस और कुछ नहीं, जरा आप लोग भी जरा प्यार करते रहो। मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।